वो तो छोड़ी, अपने जांच एजेंसियों को तो दिन भर यही रखे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग अगर डरे हुए हैं तो बिहार से डरे हुए हैं। जो स्थिति है जी, 365 दिन आएंगे तो भी उनको हार तय है। अब बिहार प्रचंड बहुमत देता है, फिर भी बिहार को कुछ नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजद कार्यालय पहुंचे। राजद कार्यालय में बैठक चल रही थी। जो ग्रामीण इलाके से जो नेते आते हैं उनको बैठक चल रही थी, प्रवक्ता की बैठक चल रही थी, अप्रवक्ता की भी बैठक चल रही थी। उसी बैठक में तेजस्वी यादव भाग लिए। भाग लेने के बाद जो है पूरी तरह से अपने जो क्षेत्र का नेता हैं, छोटे बड़े वर्कर हैं, उनसे भी अपील किया है कि उन व्यक्ति तक जाएँ जो छोटे छोटे गाँव कस्बों में रहते हैं, उन तक जाएँ, जो अंतिम पैदान तक रहते हैं उनसे भी मिले, उनको समस्या का जो है समाधान करें। इतना तक नहीं, जब मीडिया ने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि नरेंद्र मोदी चुनाव में क्यों आते हैं, 365 दिन भी आए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात करें, रोजगार की बात करें, फैक्ट्री की बात करें, ताकि लोगों का, बिहार के लोगों का रोजगार मिले। इतना तक ही नहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि अगर सबसे ज़्यादा डर है प्रधानमंत्री को तो बिहार से डर है। क्या कुछ कहते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सुनिए। अरे अरे हो गया, कल अमित शाह आ रहे हैं, 16 को फिर से प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कल अमित शाह आ रहे हैं और 16 तारीख को फिर से प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तीसरी बार चार लोग में, आप एक बात समझ लीजिए, चुनाव में सभी लोग आते जी, तो आने दीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी को तो कम से कम जो स्थिति है जी, 365 दिन आएंगे तो भी उनको हार तय है। सर एक सर, आप एक बात समझ लीजिए, जो प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग अगर डरे हुए हैं जी तो बिहार से डरे हुए हैं। तो वो तो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और वो तो छोड़िए, अपने जांच एजेंसियों को तो दिन भर यहीं रखे हुए हैं, तो वो सब हम लोगों को पता है। आए प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, आए, लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मुद्दे की बात करें, किसान के बारे में बात करें, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के बारे में बात करें, बिहार के स्पेशल पैकेज के बारे में बात करें, नौकरी के बारे में बात करें, पलायन कैसे बिहार में रोकेंगे इसकी बात करें, बिहार में कारखाना लगाएंगे कि लाइन लगाएंगे इसकी बात करें। चुनाव में तो आते हैं, कितना कारखाना जो है वादा करके गए, एको कारखाना खुला 10 साल में, कोई निवेश आया, लेकिन आप गुजरात देखिए तो सब चीज गुजरात ढकेल दिया जाता है। अब बिहार प्रचंड बहुमत देता है, फिर भी बिहार को कुछ नहीं मिलता। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।